सो गाइज, मेरा नाम सतीश और आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग को हम बताने वाले हैं यूरिन आरएम के बारे में, यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में आप लोग को हम बताने वाले हैं कि वो कैसे देखा जाता है, प्रोटीन और शुगर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यूरिन रखा है दोस्तों और पेशेंट का यूरिन है ये, इसको हमको देखना है। तो ये जो है ये 2 पैरामीटर स्ट्रिप है यूरिन का, देखिए इसमें लिखा है प्रोटीन और ग्लूकोज। इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि जो है पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन है या ग्लूकोज आ तो नहीं रहा है, इसी से हम लोग पता लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको जो है इसमें हम रख दिए हैं यूरिन में और इसको हमको चेक करना है। ऐसे इसको लगा के चेक किया जाता है तो इसमें प्रोटीन भी नील है और ग्लूकोज भी नील है नहीं दोस्तों, देखिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को हम यूरिन एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आप लोग को हम समझाते हैं कि कैसे नॉर्मल बनाया जाएगा, क्योंकि इसका जो है शुगर और उसके बाद प्रोटीन दोनों नील आ रहा था इस पेशेंट का। तो मास्टर वैभव पांडे नाम है, 7 साल का है, डॉक्टर एम सूजा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूरिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए बैलू में 30 ml दिया जाएगा, कलर में जो है लाइट येलो रहेगा, अपीयरेंस में दिया जाएगा क्लियर और स्पेशली ग्रेविटी में दिया जाएगा 1.030। और यहाँ पे नॉर्मल अब्सेंट रहेगा और उसके बाद पीएच में रहेगा 6.4। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद शुगर में रहेगा नील, एल्बोमिन में रहेगा नील, उसके बाद यहाँ जो है रेड ब्लड सेल यहाँ भी नील रहेगा, पश्चल में भी 0.1 रहेगा और उसके बाद एपिथेलियल सेल 1.2 रहेगा और इधर सब नील रहेगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल रिपोर्ट ऐसे बनाया जाएगा और उसका 2 स्टिप पैरामीटर से जो है लगाने के बाद एक्चुअली नॉर्मल आ रहा है शुगर और प्रोटीन। तो इसी मॉडल में आप लोग नॉर्मल रिपोर्ट बना के दे सकते हैं मरीज को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।